फिरोजाबाद में उप्र क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा आयोजित उत्तर प्रदेश की टीम के लिए जिला स्तर पर टीमों का चयन किया जा रहा है, जिसके लिए ट्रायल का आयोजन हुआ है। इसमें हमारा उद्देश्य है कि प्रतिभाएं निखर कर सामने आए और एक बेहतरीन टीम बने, जो आगे अच्छा प्रदर्शन करते हुए भारत के मैचों में प्रतिभाग करने तक पहुँचे। BCCI लेविन बन कोच विकास पालीवाल ने बताया कि इसके लिए चयन करने वाले जजों में निर्णायक की भूमिका निभाने वाले एकलव्य स्टेडियम से विक्रम यादव, वरिष्ठ क्रिकेटर शिकोहाबाद मोहम्मद राशिद जफर, डिस्ट्रिक्ट कोच राजेश यादव मौजूद हैं, जो खिलाड़ियों का चयन कर रहे हैं। वहीं जिला क्रिकेट संघ के उपाध्यक्ष शिवकांत शर्मा पीसू ने बताया कि करीब 101 खिलाड़ियों ने ट्रायल में प्रतिभाग किया है। फिरोजाबाद, शिकोहाबाद व आसपास के अन्य क्षेत्रों से भी खिलाड़ी आए हैं। यह ट्रायल देर शाम तक चला। फिरोजाबाद से गौरव राठौर की रिपोर्ट, SKH न्यूज। जी अंकल जी, बताएं किस तरह का ट्रायल है ये? अंडर 19 का जिले का ट्रायल हो रहा है और इसी ट्रायल में से जिले की टीम बनेगी 15 बच्चों की और वही जिले की तरफ से टीम खेलेगी। ये 3 दिन ट्रायल चलेगी। पहले बच्चे इसमें से छांटे जाएंगे, उसके बाद फिर मैचेज होंगे 2 दिन और जो बच्चे बढ़िया खेलेंगे, बढ़िया परफॉर्मेंस देंगे, उनको डिस्ट्रिक्ट की टीम में रखा जाएगा और उसके बाद टीम छटने के बाद उसके बाद यहाँ पर मैचेज होंगे जोन के, जिसके फिरोजाबाद जोन में इटावा, फरकाबाद और मैनपुरी, ये 4 डिस्ट्रिक्ट जोन में है। उसके बाद जोन के मैच करेंगे। आज लगभग कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया इस ट्रायल में? करीब 100-102। हाँ, कितने बजे से कितने बजे तक चल रहा है ये? सुबह 9 बजे से चल रहा है। सुबह 9 बजे से? और जी बताएं विकास जी। उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा आयोजित उत्तर प्रदेश की टीम के लिए जिला स्तर पर टीमों का चयन किया जाता है, जिसके अनुसार अंडर 19 फिरोजाबाद डिस्ट्रिक्ट का खिलाड़ियों का चयन किया जा रहा है। आज करीबन 102 खिलाड़ी इस ट्रायल में भाग ले रहे हैं। ये ट्रायल आज भी चलेगा, कल भी लिया जाएगा और इसके लिए हम लोगों ने, जो हमारे सेक्रेटरी हैं श्री केशव लहरी जी, उन्होंने एक सिलेक्शन पैनल बनाया जिसमें कि विक्रम यादव एकलव्य स्टेडियम से और मोहम्मद राशिद जफर सुखावा से, जो कि स्पोर्ट्स कॉलेज के पुराने खिलाड़ी रहे हैं, और उसके अलावा राजेश यादव, 3 लोगों की सिलेक्शन कमेटी इसमें बनाई गई है, जो कि पूरी पारदर्शिता के साथ अच्छे खिलाड़ियों को आगे ले जाकर फिरोजाबाद का जिले का नाम रोशन करें, इसी आधार पर ये पूरा टूर्नामेंट खेला जाता है। पहले डिस्ट्रिक्ट की टीम खेलेगी जिसमें 4 टीमें भाग लेंगी, फिरोजाबाद, फरक्काबाद, मैनपुरी और इटावा, उनके बीच मैच होंगे, उनमें से एक टीम बनेगी जो इंटर जोन की टीम कहलाएगी, इंटर डिस्ट्रिक्ट जोन की, वो गाजियाबाद या लखनऊ प्रतिभाग करेगी। तो इस संदर्भ में अभी इस टाइम पर केवल अंडर 19 का चला है, ऐसे के बाद ऐसे अंडर 16, अंडर 14 के मैच होंगे, जो UPSC का पूरा फॉर्मेट है।